नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है संकुरात मिश्रा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को उनके सीसीएस पेंशन रूल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देता रहता हूँ। पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड कोई भी अपडेट्स अगर आता है तो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। और पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आप लोग गो थ्रू कर रहे तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ब्रीफली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जहाँ पर बहुत सारा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने क्लैरिफिकेशन सीख किया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के देहांत के बाद, पेंशनर के देहांत के बाद स्पाउस को किस कंडीशन पे फैमिली पेंशन दिया जाता है, और स्पाउस अगर रीमैरिज कर लेते हैं तो फैमिली पेंशन का भुगतान उसको स्टिल किया जाता है कि नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर के देहांत के बाद स्पाउस को उनके डेथ और रीमैरिज तक फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाता है। दोस्तों, अगर स्पाउस विडोअर है और वो रीमैरिज कर लेता है तो उसका फैमिली पेंशन तभी बंद हो जाता है। मगर दोस्तों, अगर स्पाउस चाइल्डलेस विडो है तो वो रीमैरिज कर सकता है, और आफ्टर रीमैरिज और ऑन रीमैरिज वो स्टिल फैमिली पेंशन के भुगतान के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर एक ही कंडीशन एप्लीकेबल हो जाता है कि आफ्टर रीमैरिज विडो का इनकम किसी भी सोर्स से अगर मिनिमम फैमिली पेंशन प्लस जो डीएनएस रिलीफ होता है उसके ऊपर चला जाता है तो उनको फैमिली पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। मतलब अगर चाइल्डलेस विडो का आफ्टर रीमैरिज इनकम मिनिमम फैमिली पेंशन प्लस जो डीएनएस रिलीफ है उसको टच ना करे तो वो स्टिल फैमिली पेंशन पाने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर याद रखना है कि जो फैमिली पेंशन का अमाउंट है वो इनकम क्राइटेरिया के अंदर कंसीडर नहीं होता है, वो इनकम क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता है। दूसरी शादी करने के बाद किसी भी अदर सोर्स से अगर उनका इनकम मिनिमम फैमिली पेंशन प्लस जो डीएनएस रिलीफ होता है वो क्रॉस कर जाता है, उसको टच कर जाता है, तब जाके फैमिली पेंशन बंद हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू सीसीएस पेंशन रूल्स चिल्ड्रन एडॉप्टेड भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जीवित काल में अगर वो लोग कोई चिल्ड्रन को एडॉप्ट करते हैं तो वो भी एज पर सीसीएस पेंशन रूल एज ए चिल्ड्रन ट्रीट होता है, और वो आफ्टर द डिमाइज ऑफ पेरेंट्स मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड स्पाउस सारे प्रकार बेनिफिट पाने के लिए हकदार माना जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई संतान आप लोगों ने अडॉप्ट किया है और उसका वैलिड सर्टिफिकेशन है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जीवित काल में ही हो रखा है और उनका रिकॉर्ड सर्विस बुक में नहीं तो पीपीओ में दाखिला हो चुका है तो विडो चाइल्डलेस ट्रीट नहीं होंगे, और ऑन रीमैरिज और आफ्टर रीमैरिज वो फैमिली पेंशन के लिए हकदार और नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक सिंपल सी क्लैरिफिकेशन जो मैंने आज आप लोगों से शेयर किया। इसी तरह आने वाले दिन में सीसीएस पेंशन रूल्स रिलेटेड और भी एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। तो कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को देखते रहिएगा। जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।